सुनो तो सही मानव, दीपमोहन क्या कह रहे हैं? नानी ये लोग कुछ भी कहें, घर के स्टाफ ने मुझे सब कुछ बता दिया कि क्या क्या हुआ है। गलती सरासर शकु आंटी की है और सवाल है पूरे खानदान की सभ्यता का। अच्छा तो अब आप हमें सभ्यता सिखाएंगे? हाँ बिल्कुल। एक बड़े खानदानी इंसान को एक गरीब आदमी के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए ये सभ्यता तो शायद आपको सीखनी होगी। जिस तारा बाबू को चंबा में सरताज बनाकर रखा उसे यहां कुत्तों के साथ बिठाया गया। जिसे सरस्वती का रूप कहते थे उसे लक्ष्मी का चमचा नौकर कहा गया। 9 घंटे तक नानी, 9 घंटे तक धूप की गर्मी में बैठे बाप बेटी जिनका इतना बड़ा तिरस्कार किया गया हो वो लावे की तरह नहीं उबलेंगे तो क्या करेंगे? मानव तुम कहना क्या चाहते हो? डैडी 2 दिन में वापस लंदन से आ रहे हैं। आप लोगों ने जो जो ड्रामा किया है उनके साथ उसका साफ साफ ब्यौरा डैडी को बताना होगा। भाई साहब को क्या बता दे, उन्हें कोई भी थप्पड़ मार दे और वो चुपचाप सहले? नो, वी विल नॉट टॉलरेट एनी नॉनसेंस। डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर मानव? अगर एक ग्लास फेंकने से या आवाज ऊंची करने से ही सत्य को साबित किया जा सकता है तो मैंने 7 ग्लासेस तोड़े हैं, यानी मेरा सत्य 7 गुना ज्यादा हो गया है क्या? असली सत्य मैं समझाती हूं सुलभामा। जब 21 साल का नौजवान लड़का इश्क में अंधा हो जाता है तब वो अक्सर इसी तरह से बर्ताव करता है। तब वो सिर्फ अपनी ही नहीं सारे खानदान की तकदीर बदलना चाहता है। और मानव पूरे खानदान की तकदीर तो नहीं बदलने देंगे तुम्हें। तकदीर तो बदल चुकी है अंकल। आपका मानव किसी का हो चुका है, देखना चाहेंगे तो देखिए। यह है मानव की मानसी जो इस घर की बहू बनेगी और एक दिन आप सब इसके चारों तरफ फैमिली फोटो खिंचा रहे होंगे। ये वादा है मानव का आपसे, आपसे। कट कट कट। ए भाई, ए मेरे बाप, मैं आपसे कह रहा भैया हटिए, मेरे हीरोइन के सामने आ रहे हैं आप। अरे हटिए यार, मैं आपसे कह रहा हूँ। ये भी कोई नया हीरो आया है। भाई साहब हम लोग काम कर रहे हैं, आप वहाँ पब्लिक के पीछे जाके खड़े हो जाइए प्लीज। देखिए मुझे मानसी से मिलना है। मानसी से आप जानते हैं उसे? जी हाँ, बहुत नजदीक से। क्या लगती वो आपकी प्रेमिका जी? बिलावेड, माय बिलावेड। एक मिनट। केनी डार्लिंग, कीप द रिहर्सल ऑन। हाँ जी। यस सर। उस लड़की को देख रही हो? वो कह रहा है कि उसे तुम्हें मिलना और तुम उसकी प्रेमिका हो। इज इट अ फैक्ट? नहीं सर, ना ही मैं किसी की प्रेमिका हूँ और ना ही मुझे इससे मिलना है। कह दूँ? कह दीजिए सर। फाइनल? यस सर।
भाई साहब, वो कह रही है कि ना वो आपसे मिलना चाहती है, ना वो आपको जानती है, ना वो आपकी प्रेमिका। अंडरस्टैंड? मुझे उनसे मिलना है। ओके, शूटिंग के बाद मिल लीजिए। देखिए, मैं जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा हूँ, आप भी जेंटलमैन की तरह बिहेव कीजिए। वहाँ चले जाइए, प्लीज प्लीज हमें काम करने दीजिए, प्लीज। स्टार्ट साउंड। रुक जाओ मानसी, मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा है। गलती मुझसे हुई और सारी बातें जान लेने के बाद मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है। जानती हो क्यों? क्योंकि जो लड़की अपने माता पिता के गहरे प्यार को अपने प्यार से ज्यादा मान दे, उनकी इज्जत के लिए अपने प्यार को त्याग दे, वही लड़की किसी के घर की लक्ष्मी, किसी की अच्छी पत्नी बन सकती है। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। माफी मांगनी चाहिए तुम्हारे पिता को मेरे बाबा से। क्यों? चाटा मारा इसलिए? नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत। मानसी, जिस तरह से तुम अपने बाबा का मान करती हो, उसी तरह मैं भी करता हूँ। मानसी, इट्स डन, काम हो गया। विक्रांत कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट आज ही साइन होना चाहिए, आज शुभ दिन है, गुड़ी पड़वा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है, जस्ट साइन इट, जस्ट डू इट, कम ऑन, कम ऑन। आज से 3 साल के लिए आप विक्रांत की हीरोइन, द स्टार ऑफ टुमारो। यहाँ साइन कर। का हार एक बार फिर से बनाऊंगा और तुम्हें पहनाऊंगा। अगर मुझ में ईश्वर है, सच्चाई है, तो एक दिन तुम खुद भागकर मेरी बाहों में आओगी। तुम खुद भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। हाँ, तो हो गई मीटिंग? हो गई। हो गया फैसला? जी हाँ, हो गया। क्या? आपको साइन कर दिया और मुझे रिजाइन कर दिया। ना कर दी आपको? जी हाँ, ना कर दी। देखिए भाई साहब, मैं आपकी कहानी तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जो लड़का लड़की सितारों की दुनिया में आ गए, वो आसमान पर लटक गए। स्टार्स इन द स्काई, वो भी जमीन पर ना आए। यार, बियॉन्ड रियलिटी माय फ्रेंड। आप शायद इस लड़की को जानते नहीं, मैं जानता हूँ। वो आएगी, मेरे पास ही आएगी और इसे आप ही भेजेंगे। मैं? जी हाँ, आप। I'm a businessman, यार, a pure businessman. हाँ, businessman बनकर ही भेजेंगे, लेकिन भेजेंगे। एक बात है, मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा लगा। I like your confidence, my friend. I like your confidence and good luck. Yeah, thank you.